15 बच्चों की माँ सिंधुताई सपकाल की कहानी। जीवन में माँ का महत्व इतना है कि जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। माँ वो है जो हमें जीवन देती है, जो हमें इस दुनिया में लाती है, इस संसार की अनेक चीजों को देखने का मौका हमें देती है। नारी के स्वरूप के आगे कोई भी स्वरूप खड़ा नहीं हो सकता। माँ वो है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया के आगे लड़ सकती है। माँ बनने के बाद एक नारी में अलग तरह की शक्ति आ जाती है। पर जरा सोचिए, जो महिला 1500 बच्चों की माँ होगी उसमें कितनी शक्ति होगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पद्मश्री सिंधुताई सपकाल की, जिन्हें 1500 बच्चे माँ कहकर संबोधित करते हैं। सिंधुताई सपकाल ने बेसहारा बच्चों के लिए जो किया वो अपने आप में एक मिसाल है। अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए सिंधुताई ने ट्रेनों में भीख तक मांगी। यही वजह है कि उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। बेसहारा बच्चों के लिए उनके संघर्ष और उनके कामों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए जानते हैं कि सिंधुताई सपकाल कौन थी। इस वीडियो में हम सिंधुताई सपकाल की कहानी के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे सिंधुताई सपकाल ने खुद जीवन में कितने ही परेशानियों का सामना किया और कैसे उन्होंने बेसहारा बच्चों को सहारा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधुताई सपकाल का जीवन परिचय। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से जानी जाने वाली सिंधुताई सपकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। सिंधुताई के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका परिवार मवेशी चराकर अपना गुजर बसर करता था, लेकिन सिंधुताई के पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे, जबकि उनकी माँ घर की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए उनकी शिक्षा के विरोध में थी। हालांकि उनके पिता ने अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर भी अपनी बेटी को स्कूल भेजना शुरू किया, पर घर की आर्थिक परिस्थिति के चलते उन्हें चौथी क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। जन्म के बाद सिंधुताई का नाम चिंदी रखा गया था। चिंदी का मतलब होता है कपड़े का कुतरा हुआ टुकड़ा, जिसका कोई मोल नहीं होता। परिवार की गरीबी चरम पर थी, इसलिए ना अच्छी परवरिश मिली और ना ही अच्छी शिक्षा। 10 साल की उम्र में ही इस नन्ही सी जान की शादी 30 साल के श्रीहरि सपकाल से कर दी गई। 20 साल की उम्र में चिंदी के 3 बच्चे थे। चौथा बच्चा उनके पेट में था जब झूठ के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके पति ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। 9वां महीना था, बच्चा किसी भी वक्त हो सकता था, मगर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। खुद चिंदी के घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। चिंदी अकेली घर से बाहर पड़ी, तड़पती रही, मगर कोई मदद को आगे नहीं आया। अंत में चिंदी खुद को किसी तरह घसीटते हुए पास में गाय के बनाए गए फूस के घर में पहुंची। वहीं उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। कोई सहारा नहीं बचा देख चिंदी अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन जा पहुंची। यहीं पर वो भीख मांगकर अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने लगी। काफी समय तक ऐसा चलता रहा। तब एक पल ऐसा आया जब चिंदी का सब्र जवाब देने लगा। उससे अब और सहन नहीं हो रहा था। उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी सांसों से नाता तोड़ देगी। यही सोचकर चिंदी ने उस दिन खूब सारा खाना इकट्ठा किया और उसे खाने लगी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भूखे पेट मरना नहीं चाहती थी। उसने तब तक खाया जब तक उसका पेट और मन दोनों भर नहीं गए। बाकी का बचा खाना उसने अपने साथ बांध लिया और अपनी बच्ची के साथ रेल की पटरी पर निकल पड़ी। चिंदी निकली तो खुद को मारने थी, लेकिन यही वो पल था जब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। रास्ते में उसे बुखार से तड़पता एक बूढ़ा मिला। चिंदी ने सोचा क्यों ना अपना बचा खाना उसे दे दे। उसने ऐसा ही किया। पेट भरने के बाद उस इंसान ने चिंदी को देखा और हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। इसी पल चिंदी के मन में एक ख्याल आया कि उसने बहुत कुछ सहा, उसके बावजूद अभी तक जिंदा है, चाहे तो अपने जैसे बेसहारा लोगों को जीने की कला सिखा सकती है। उसी दिन के बाद चिंदी सिंधुताई बन गई। तब से सिंधुताई हर उस बच्चे की माँ बन गई जो स्टेशन पर या वहाँ के आसपास बेसहारा पड़ा मिलता। सिंधुताई के मन में हमेशा से गरीबी और गरीबों को लेकर दया भाव था। अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए सिंधुताई ने हर संभव कोशिश की। उन्होंने अनाथ बच्चों का पेट भरने के लिए सड़कों पर भीख तक मांगी। अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम बनाने के लिए सिंधुताई ने कई शहरों और गाँव का दौरा किया। सिंधुताई ने अनाथ बच्चों को बस सहारा ही नहीं दिया बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी। उनके द्वारा अपनाए गए कई बच्चे आज डॉक्टर, वकील होने के साथ साथ दूसरे अनेक पदों पर रहकर काम कर रहे हैं। जब बच्चे पढ़ने लगे तो सिंधुताई ने स्पीच देनी शुरू कर दी जिससे डोनेशन मिल सके।
आज सिंधुताई लगभग 1500 बच्चों की माँ है, कईयों की सास, कईयों की दादी है। ये संख्या बढ़ रही है। सिंधुताई को बचपन से ही चिंदी नाम दिया गया था, उसी सिंधी के सम्मान में अंबर सिर झुकाता है। पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद सिंधुताई ने कहा, ये पुरस्कार मेरे सहयोगियों और मेरे बच्चों का है। सिंधुताई के द्वारा शुरू किया गया ये सिलसिला महाराष्ट्र की 6 बड़ी समाज सेवी संस्थाओं में तब्दील हो चुका है। इन संस्थाओं में 1500 से ज्यादा बेसहारा बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। इन संस्थाओं में बच्चों के लिए अनाथ शब्द इस्तेमाल करना मना है, क्योंकि इन सभी बच्चों की माँ का नाम सिंधुताई है। सभी बच्चे सिंधुताई को प्यार करते हैं, माई कहकर बुलाते हैं। सिंधुताई कई बच्चों की शादी कर चुकी हैं। सिंधुताई की संस्थाओं में बेसहारा बच्चे ही नहीं बल्कि विधवाओं को भी आसरा मिलता है। ये खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखरेख का काम करती हैं। वो लोगों को बेटा कहकर बुलाती थी और लोगों से कहती थी कि वो उन्हें सिंधुताई नहीं बल्कि माई कहकर संबोधित करें। ये उनकी सहजता और सरलता ही थी जिनकी जितनी आसानी से आम लोगों को वो अपना बना लेती थी, उतनी ही आसानी से बौद्धिक वर्ग को भी अपना मुरीद कर लेती थी। 4 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से सिंधुताई सपकाल का 73 वर्ष की उम्र में पुणे में निधन हो गया। यूं ही कोई सिंधुताई माई नहीं बन जाती। सिंधुताई सपकाल ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। सिंधुताई ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि वो इंसान भी इस विशाल परिवार का हिस्सा बना जिसने माई को करीब करीब आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस बारे में वे बताती थी, मेरी सास गुजर गई है लेकिन मेरी संस्था द्वारा चलाए जा रहे एक केंद्र में मेरे पति रहते हैं। वो मेरे लिए सबसे बुजुर्ग और जिद्दी बच्चा है। सीधी सी दिखने वाली माई को समझ पाना बेहद मुश्किल था। पति को माफ़ करने के सवाल पर वो कंधे उचकाकर कहती, किसी के लिए मन में दुर्भावना रखने से क्या फायदा। सिंधुताई सपकाल ने बेसहारा बच्चों और महिलाओं के लिए जो किया वो अपने आप में मिसाल है। उन्हें इन अच्छे कामों की वजह से 700 से भी ज्यादा सम्मान मिल चुके हैं। सिंधुताई को डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा सिंधुताई के जीवन पर एक मराठी फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है मी सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई लोगों से अनाथ बच्चों को अपनाने की अपील करती थी। अतीत को याद करते हुए सिंधुताई ने रोटी को भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, मेरी प्रेरणा मेरी भूख और मेरी रोटी है, मैं इस रोटी का धन्यवाद करती हूँ। ये सभी पुरस्कार मेरे बच्चों के लिए हैं जिन्होंने मुझे जीने की ताकत दी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी प्रोग्रेसिव इंडिया के साथ। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।